हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन को उत्तराखंड में 15 जून से फिर से एक बार फिर 22 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो क्या है गाइडलाइंस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में अपडेट दे दी थी कि 22 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया है, साथ ही एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी चार धाम की। इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट देखेंगे कि क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो क्या नियम है, और अगर आप चार धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं तो क्या नियम है, क्या गाइडलाइंस हैं, शॉप खोलने के क्या नियम हैं। तो सारी की सारी चीजें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और इससे पहले, अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को पहाड़ी राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन को एक वीक के लिए और बढ़ा दिया है, यानी कि अब लॉकडाउन को 22 जून तक कर दिया गया है। यह जानकारी राज्य मंत्री सुबोध उनियाल ने दी। उन्होंने कहा कि पुराने दिशा निर्देश जो है एज इट इज रहेंगे, कुछ मामूली बदलाव हैं जो इसमें होंगे। तो जो एक महत्वपूर्ण छूट में चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के निवासियों को कर्मश बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री के चार धाम सत्रों की यात्रा की अनुमति है। कोविड कर्फ्यू को 15 जून से 22 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो एक एक पॉइंट देखेंगे कि क्या है। उससे पहले हम देखते हैं कि जो चार धाम यात्रा खुली है, इसमें दोस्तों आपको समझना यह है कि अगर आप जैसे चमोली के हैं तो आप सिर्फ बद्रीनाथ जा सकते हैं, आप चारों धाम एक साथ यात्रा नहीं कर सकते हैं अभी। और अगर आप रुद्रप्रयाग से हैं तो आप अपने एरिया के मंदिर यानी कि केदारनाथ जा सकते हैं, और आप उत्तरकाशी से हैं तो आप अपने एरिया के मंदिर गंगोत्री और यमुनोत्री में जा सकते हैं। तो ये गाइडलाइंस है जो आपको ध्यान देनी है। एक तो सेकंड, आपको जाते समय अपने साथ आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूर लेकर जानी है, तो आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट भी इसके लिए जरूरी है। तो लोगों को लॉकडाउन के दौरान टीकाकरणों पर केंद्रों पर जाने की अनुमति दी जाएगी। उनके पास कोई अपना आईडी प्रूफ या फिर आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करवाया है, स्लॉट बुक किया है, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। राज्य सरकार ने अपना दिशा निर्देशों में कहा है कि जो विवाह की और अंत्येष्टि की गाइडलाइंस है वो सेम है, यानी कि 20 लोगों के साथ विवाह हो सकता है, विवाह समारोह में 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं, अंत्येष्टि में 20 लोगों को ही प्रार्थना करने की शामिल है, तो अंतिम संस्कार में भी 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा गैर जरूरी स्टोर जैसे कि दर्जी की दुकानें, साइकिल स्टोर, हार्डवेयर की दुकानें को शनिवार को 5 घंटे तक संचालित करने की अनुमति थी। होटल और रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी सेवाओं के लिए ही संचालित किए गए हैं, अभी डाइन इन होटल और रेस्टोरेंट में नहीं हो पाएगा। और अगर आप आ रहे हैं शादियों में, शादी में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो भी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए, और उसके साथ केवल 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं, और आरटीपीसीआर रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब जो कर्फ्यू में ढील दी गई है वो ये है कि दूध, मांस, मछली, फल और सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। इस दौरान सभी शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान जैसे कि सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, जिम और रेस्तरां अभी बंद किए गए हैं। ये अगले आदेश तक बंद रहेंगे, जब तक कोई अगला आदेश नहीं आ जाता है। इसके अलावा अपने गाँव को अगर आप लौट रहे हैं, प्रवासी हैं, तो आपको 7 दिन के लिए स्थानीय संगरोध सुविधाओं में रहना होगा, यानी कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो भी वहां पे बनाए हुआ क्वारंटाइन सेंटर, आपको उसमें रहना होगा। अगर आप में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो आपको घर भेज दिया जाएगा। दवाओं की दुकानें और टेस्टिंग लैब 24 घंटे खुली रहेंगी। राज्य में अभी होटल, रेस्टोरेंट और रिजोर्ट खोलने की इजाजत सरकार की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो अभी भी बहुत सारे होटल्स हैं जो ओपन हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को अभी भी अपने साथ आरटीपीसीआर की नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट लेकर आनी होगी। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल smartcitydehradun.uk.gov.in पर भी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो अगर आप आ रहे हैं तो आपको ई पास भी चाहिए, प्लस आपको आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट भी लेकर आनी है। इसके अलावा राजस्व कोर्ट खुलेंगी। तो सरकार ने कहा है कि लंबे समय से बंद पड़े राजस्व कोर्टों को लेकर लोग परेशान हैं। कई लोग मांग कर रहे हैं कि कोर्ट खोली जाए, तो इस बात पर फैसला लिया गया है कि राजस्व कोर्ट को सिर्फ 20 लोगों की सीमित संख्या के साथ ही खोला जाएगा। मिठाई की दुकानों के लिए नियम है, मिठाई की दुकानें अभी तक बंद थी, तो कई लोगों की मांग थी कि मिठाई की दुकानें खोली जाएं,
तो सरकार ने मिठाई की दुकानें खोले को जाने को भी छूट दे दी है। खोलने का समय भी वही पाबंदी लागू रहेगी। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड की गाइडलाइंस। इसके अलावा चार धाम की गाइडलाइंस मैंने आपको बता दी है और कावड़ यात्रा पे अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, तो जैसे ही कावड़ यात्रा पे भी गाइडलाइंस आ जाएगी वो अपडेट भी आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक।